हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके लिए काली माँ के लव रीडिंग। क्या आ रहे हैं आपके लव लाइफ में इस टाइम पे, काली माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये हम देखेंगे। और एट द सेम टाइम ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और चाहे आप लड़की हो लड़के हो कोई भी कम्युनिटी से हो ये रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर सोल का कोई रिलीजन नहीं होते, माँ माँ होती है। सो मैं बोलूँगा इंट्यूटिवली देखिए, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और मैं कोई भी अदर वेबसाइट जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर पर्सनल वेबसाइट में अवेलेबल नहीं हूँ, यहाँ पे ही सिर्फ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो स्कैमर से बचिए, मैं कभी भी आपको कॉल कमेंट मैसेज नहीं करूँगा और वन एंड वन कंसल्टेशन में परमानेंटली बंद किया हूँ। सो वीडियो देखते रहिए एंड ऑफकोर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहिए। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे काली माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मंतो मखदे देवी नारायणी नमस्ते। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर कमिंग इन योर लव लाइफ। ओम करलवदनं घोरंग मुक्तकेशिन चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिब्बं मुंडमालाभिभूषितं सदाशिन्न शीरोखर्गो वामर्तो कर्णभुजं अभयंवरदं चैव दक्षिणार्धवानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलद्रुधिरचर्चितं कर्णावतं सतती नतशुभजुम्भवैनकं गृहदष्टं करलष्टं पीर्णतिपयदनं सवनं करसंघाते कृतकच्छसुं कृच्छकृतधारा विश्वतरनमो गुरुभ्यां मार्दं सुजनयवासिनं बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रयमितं दन्तरं दक्षिणो व्यापी लघुमानो गजचयं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाविगुरो रावभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्मेरा सर्वम् एवं संचिन्तयेत् काली धर्म कामार्थमोक्षदम्। जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए आप मैसेज दे दीजिए इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज आप देना चाहते हो प्लीज बता दीजिए। माँ मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या मैसेज आप देना चाहते हो बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज आप देना चाहते हो प्लीज बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं बता दीजिए। माँ मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे क्या मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे माँ प्लीज़ बता दीजिए। प्लीज़ माँ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स। ओके 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 ओके। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है दीनतारिणी काली माँ के। सेकेंड कार्ड आया है रमना काली माँ के। वाओ दिस इज सो गुड। एंड थर्ड कार्ड यहाँ पे आए हैं रुद्रा काली माँ। सो दिनतारिणी माँ मतलब क्या है, जो आपके सोल डर्ट है सोल प्रॉवर्टी है उसको हटाते हैं। सो माँ क्या बोल रहे कि ए हेल्प इज ऑन योर वे एंड एडवांस रिलीफ इज कमिंग। डिवाइन विल रिस्टोर योर हैप्पीनेस एंड डू नॉट फॉरगेट माँ काली। आई थिंक आपके सोल एक डार्केस्ट फेज से गुजर रहे हैं, आपके सोल को मदद चाहिए और माँ दीनतारिणी इस टाइम पे आपको मदद करेंगी। कैसा मदद? हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशंस में आपको लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ गलत है, कुछ चीज़ आपके सामने क्लियर नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप जो डेडिकेशंस को दिए हो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। यू नो आपके परिवार आपको प्यार नहीं कर रहे, रेसिप्रोकेशंस नहीं आ रहे, कोई पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है आपको कि आपका एनर्जी लीकेजेस हो रहे, कहीं पे भी आपका मन नहीं लग रहा है, बार बार आपको एक ही डाउट आ रहा है कि क्या आप सही हो या गलत हो। सो दीनतारिणी माँ आपको ये बोल रहे कि देखिए आपको रिलीफ मिलेगा बट ये सिचुएशंस आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने भक्ति को बढ़ा सकते हो। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि आपको जो राहत मिलेगा उसके बाद माँ को भूल मत जाइए। कहीं ना कहीं माँ देख रहे हैं कि इंटेंस प्रेशर में हो आप, इस टाइम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको और ये प्रेशर में एक ही पर्सन आपको मदद करे वो है माँ। तो एक क्रिटिकल फेज़ है और इस क्रिटिकल फेज को कोई नहीं बदल सकता है, लाइक ना कोई आपका ताबीज़, ना कोई क्रिस्टल्स, ना कोई बाबा जी। इस टाइम पे कम्प्लीटली दीनतारिणी माँ ही आपको मदद करे। सोल क्राइसिस जिसको कहते हैं, सोल क्राइसिस मतलब किसी किसी के लिए ब्रेकअप, किसी किसी के लिए नो कॉन्टैक्ट, किसी किसी के लिए एक अजीब किस्म के पेन, जो पेन को आप कह नहीं पा रहे हो, लाइक ऐसा लग रहा है कि लाइफ में एक ऐसे स्टेज में आए हो जहाँ पे आपको पूरा सच नज़र आ रहे हैं, ना आपके माँ बाप, ना आपके दोस्त, ना आपके पति या फिर पत्नी उस तरीके से आपको सपोर्ट किया है। आई थिंक कुछ ऐसा ट्रूथ जिस ट्रूथ को आप हजम नहीं कर पा रहे हो, या फिर खुद की गलतियों को दिख रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, अभी तो पूरा सब कुछ जैसे कि कोलैप्स्ड। इस टाइम पे दीनतारिणी माँ आते हैं और आपको मदद करते हैं। कैसे मदद?
हो सकता है कोई नए ब्रेक थ्रू, अचानक आपको किसी के साथ मुलाकात हो जाएगा, अचानक कोई कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, हो सकता है कि रिश्ता नहीं आ रहा था, नो बोल दे रहा था, या फिर रिलेशनशिप पे एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, सेपरेटेड हो गए आप दोनों, या फिर बहुत साल हो गए सेपरेटेड हो गए हो और वापस आ रहे कोई पर्सन। नाउ यहाँ पे क्लू क्या आ रहे है, क्लू ये आ रहे है कि हो सकता है कि आपके बर्थडे है 12 या फिर बर्थडे है 3/9 या फिर आप 3/6/9 कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो। एट द सेम टाइम दिसंबर बॉर्न हो सकते हो आप, मार्च बॉर्न हो सकते हो आप, जून बॉर्न हो सकते हो आप, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हो आप। इस टाइम पे एक नया लव आ रहे हैं, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ऐसा हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन, एक डिवोर्स पर्सन आपके बारे में बहुत इंटरेस्टेड है और वो यू नो आपसे मिलना चाहते हैं, बट वो कुछ कह नहीं रहे। हो सकता है कि आप किसी के मैसेजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हो बट वो इस यू नो इस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, बट वो अवेलेबल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। एक फेज है, इस फेज में आपके पास कोई क्लू नहीं है, आपके पास कोई मदद नहीं है, बट इस टाइम पे सिर्फ माँ है। तो कहीं ना कहीं ये जो लास्ट लाइन माँ ने बोला है ना कि डोंट फॉरगेट हर, सो कहीं ना कहीं ये टाइम आपके लिए सोल अवेकनिंग टाइम है कि इस टाइम में माँ आपको मदद करे। इस मदद को आप ध्यान में रख के चलिएगा आगे के लाइफ में। सो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड कॉल, रॉन्ग नंबर के कॉल, या फिर हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड किसी के साथ मिलन, किसी के साथ पहले मीटिंग में ही आपको लग जाएगा कि वाह यही है आपके सिग्निफिकेंट अदर हाफ। तो ऐसा हो रहा है, चट मंगनी पट शादी ऐसे काइंड ऑफ हो सकता है। एट द सेम टाइम कुछ मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यू आर इवेंचुअली गोना स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। तो हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत एफर्ट्स दे रहे थे बट आप उसको विश्वास नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप एफर्ट्स दे रहे थे, कोई पर्सन आपको विश्वास नहीं कर पा रहे थे, कोई आपको बहुत लाइटली ले रहे थे, या फिर कोई पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप सबके साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते रहते हो, सडनली उसको ऐसा लगेगा कि नहीं आप जेन्युइन हो, किसी को पता चल रहा है कि आपके जेन्युइन साइड के बारे में। शायद हो सकता है कि आपने कभी भी उस नज़र से किसी पर्सन को देखे नहीं हो, या फिर कोई पर्सन आपको उस नज़र से देखे नहीं है, फाइनली उसका नज़रिया बदल रहे है। नाउ सेकंड आ रहा है रमना। रमना काली का मतलब क्या है कि यू नीड टू लर्न स्पिरिचुअल इंटीमेसी, सेक्रेड लव इन द हाइएस्ट डिवो इज द हाइएस्ट डिवोशंस। नाउ इंटीमेसी अट्रैक्शंस, तो यही रमन मतलब क्या है, लव इंटीमेसी। सो अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ हो के डिटैच रहते हो, या फिर बहुत दिन हो गए कि उस तरीके का इंटीमेसी आपका नहीं हुआ है, या फिर उस तरीके का फील आप नहीं किए हो, या फिर रिलेशनशिप का जो डायमीटर्स है, रिलेशनशिप का जो इक्वेशंस है वो गलत तरीके से जा रहा था, या फिर यू नो बहुत दिन हो गए कि आप लोग मिले नहीं हो, उस तरीके का कनेक्ट नहीं किए हो, या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप अकेले रह गए हो और वो काफ़ी आगे बढ़ गए, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप आगे बढ़ गए हो, यू नो आपको पसंद नहीं आ रहा था, फाइनली आपको पसंद आना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी होगा, हो सकता है कि किसी के साथ लव मेकिंग बहुत दिनों के बाद होगा, हो सकता है कि यू नो स्पिरिचुअल लेवल में आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, सपने देखोगे उसके साथ आप लव मेक करते हुए, या फिर इंटीमेट थॉट्स, इंटीमेट ख्याल, या फिर बहुत अच्छे कम्युनिकेशंस, बहुत अच्छे डेट, वीकेंड का प्लान, या फिर नेक्स्ट मंथ का कुछ प्लान बन सकता है। रमना काली माँ मतलब व्हेन माँ इज बेसिकली मेकिंग टू ऑफ यू टुगेदर, सो एक टुगेदरनेस, एक बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एंड एट द सेम टाइम एक इंटीमेसी अट्रैक्शन। तो सीक्रेट क्रश, या फिर बोल सकते हो कि अनइवन रिलेशनशिप। सो यू नो ऐसा हो सकता है आपके एज है 28, ऐसा हो सकता है आपके एज है 23 और आपके पार्टनर के एज 10-15 साल बड़ा, या फिर पार्टनर के एज है 28, आपका एज 10-15 साल बड़ा, ऐसा हो सकता है अनइवन आप दोनों हो, या फिर एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ से आप पीछे नहीं आ सकते हो, इसी पर्सन के साथ आपको लेके चलना है। हो सकता है दो रिलेशनशिप आपका नहीं चला और इस पर्सन आपका लास्ट होप है और इस पर्सन की तरफ से भी कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहे, और डेफिनेटली यहाँ से कॉल और मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर एक इंटीमेसी बिल्ड होगा। यू नो आपको पता चलेगा कि आप अपनी एसेंस के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन का कॉल आएंगे और तभी आप रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। यू नो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ रेस्पेक्ट। फिजिकल इंटीमेसी में भी रेस्पेक्ट अगर नहीं रहेंगे तो आप एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाओगे। वेल इंटीमेसी एक पार्ट है लव का, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ देख रहे हैं कि
जो भी अट्रैक्शंस था, जो भी हनीमून फेज था, वो खत्म हो गया. नाउ एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों मिल रहे हो. ये मिलन जो है ये बहुत अलग होगा, और इस मिलन में आपके स्किन, आपके हेयर, आपके फिजिकल ब्यूटी को देखा नहीं जाएगा. ये मिलन डिवाइन चाहते हैं आप दोनों, यू नो, ये मिलन हो. सो ऐसा हो सकता है बहुत पाबंदियाँ आप देखे हो, बहुत रिजेक्शंस महसूस किए हो सकता है कि इस पर्सन को, इस पर्सन के तरफ से कोई उम्मीद ही नहीं है अभी. या फिर ऐसा हो सकता है कि रिजेक्टेड होते होते आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा लाइफ काइंड ऑफ सिंगल ही रहेंगे. इस वक्त एक ट्विस्ट आ रहे हैं यहाँ पे. माँ बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे सच या फिर कोई ऐसा एनर्जी जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे. ऐसा हो सकता है इरेजिस्टिबल पर्सनैलिटी के साथ आपका मुलाकात हो सकता है. ये हो सकता है कि कोई टॉरस, या फिर हो सकता है कि कोई लीब्रा, हो सकता है जेमिनाई, हो सकता है पाइसी, स्कॉर्पियो. एंड ऐसा हो सकता है कि इसकी बर्थ डेट टू सेकेंड ऑफ एनी मंथ, 8th ऑफ एनी मंथ, 28th ऑफ एनी मंथ, 23 ऑफ एनी मंथ, 31st ऑफ एनी मंथ, एंड एट द सेम टाइम 12, एट द सेम टाइम 10, एट द सेम टाइम 21. क्योंकि ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफीलिंग होंगे. लॉन्ग डिस्कशंस होगा लव के बारे में, फिजिकल इंटीमेसी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में. और ये पर्सन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका एक शादी हुआ था पहले, या फिर ये पर्सन का एक रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ था. एक स्पिरिचुअल मेंटर की तरह ये पर्सन आ रहे हैं, जैसे कि इसको पता है चक्रा क्या है, चक्रा बैलेंसिंग क्या है. एक स्पिरिचुअल मेंटर जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, जो जिसको पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. काइंड ऑफ डिवाइन इस पर्सन को आपके लाइफ में भेज रहे. अगर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप एक पैशन को महसूस करोगे. बहुत सालों के बाद आप ये चीज़ महसूस कर रहे हो. किसी किसी के लिए देख सकते हो मैं 2 साल, 8 साल, 10 साल के बाद. मैं ये भी देख सकता हूँ कि हाल ही में आपको आपके डिवोर्स पर्सन के ख्याल आ रहा है. इस पर्सन के साथ आपका डिवोर्स हुआ है या फिर सेपरेटेड हो गए हो. बट ये पर्सन भी आपको काइंड ऑफ, मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि यही पर्सन बैक करे, बट कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको याद दिलाएंगे आपके कुछ अच्छा वक्त पास के साथ. और ये पर्सन वो जो खराब वक्त आपका बिता उसको रिप्लेस करेंगे अच्छे वक्त के साथ. सो ऐसा लग रहा है मेरे को कि आप एक खराब मैरिज आपका हुआ था, या फिर एक बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ था. हो सकता है कि आप अनवांटेड प्रेग्नेंट भी हो गए थे, एंड उसके बाद जो ट्रॉमा, जो शैडो लेके आप चल रहे थे, जो शर्म लेके चल रहे थे, आई थिंक ये पर्सन आके उस शैडो को ब्रेक करेंगे, उस ट्रॉमा को रिमूव करेंगे एंड आपको फ्रीडम देंगे. सो रमना मतलब खुद के साथ खुद का मिलन. रमना मतलब जब आप खुद के जो कंडीशनिंग है, यू नो, समाज जिस तरीके से हम लोगों को सोचने में मजबूर कर देते हैं, हम लोगों को एक टैग दे देते हैं, आई थिंक उस टैग को आप अनटैग कर रहे हो. आई थिंक आप अपने ही पिंजरे से बाहर आ रहे हो और ये पर्सन आपको मदद करेंगे. सो अ वेरी क्वालिटेटिव अप्रोच. सो क्वालिटी टाइम स्पेंड आप करेंगे, खुद के साथ भी कर सकते हो आप. लाइक हो सकता है ना एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर जो आपका इंस्पिरेशन है. वन साइडेड लव अफेयर भी मैं देख सकता हूँ, प्लेटोनिक किस्म के कनेक्शंस भी मैं देख सकता हूँ. बट जो भी है, यहाँ पे आप खुद के साथ मिल रहे हो. बहुत सालों के बाद आप अपने पिंजर से बाहर आ रहे हो. किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट करने से पहले खुद के साथ खुद के कनेक्शंस को, यू नो, बहुत मजबूत करना पड़ता है. आई थिंक वो कनेक्शंस टूट गया था. रमना कालिमा आपको खुद के साथ मिला रहे हैं और तभी जाके आप दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट कर पा रहे हो. ऐसा हो सकता है किसी का नेगेटिव शैडो फाइनली आपकी लाइफ से जा रहे हैं. हो सकता है जब भी आप दूसरे पर्सन के साथ मिलने के लिए जाते थे, हमेशा उसी पर्सन का टॉपिक आ जाता था, या फिर हमें उस पर्सन के दलदल से आप नहीं बाहर आ पा रहे थे, और फाइनली आपको आपके मनपसंद का जो पर्सन है वो मिलेंगे. हो सकता है ये आप लोग काफ़ी अपोजिट हो, यू नो, क्योंकि यहाँ पे यू नीड टू लर्न द स्पिरिचुअल इंटीमेसी. मतलब आप अभी भी उस तरीके का इंटीमेसी देखे नहीं हो, आप सीखोगे उस इंटीमेसी को. तो हो सकता है कि आपकी यूजुअल जो एक्सपेक्टेशन है इनसे काफ़ी अलग होंगे. बहुत ही शाय किस्म के पर्सन का एनर्जी मेरे को दिख रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि ये दूसरों पर्सन की तरह उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे. बट धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में आप एक मोमेंटम देख रहे हो. हो सकता है 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, और आपके पर्सन के तरफ से कभी भी उस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं सुने हो, उस तरीके का सपोर्ट नहीं देखे हो. अभी जाके आप देखोगे कि आप दूसरे का एक अलग लेवल का इंटीमेसी आप ढूंढ पाओगे. मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग किस्म का है, और आप जो
यू नो जो फुलफीलिंग मैटर होता है, जो फुलफीलिंग इंटिमेसी होता है, वो कभी आपको नहीं एक्सपीरियंस हुआ. आप हमेशा एक एक हाफ हर्टेड या फिर हाफ विलिंग हाफ रिलक्टेंट काइंड ऑफ किस्म के स्टेट लेके एक्सेप्ट कर ले रहे थे रिलेशनशिप को, शादी को, प्यार को. क्योंकि क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे? क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक हेल्पफुल है, या फिर जो भी था आपकी तरफ से था, आप प्यार करते हो तो वो सब यू नो इंटीमेसी को आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर रहे थे. बट यस, एक भूख आपके अंदर भी था या फिर थी, बट कहीं ना कहीं वो भूख को आप हटा दे रहे हो, वो भूख को आप रिप्लेस कर रहे हो स्पिरिचुअल इंटीमेसी के द्वारा. सो जो नेचुरल फिजिकल इंटीमेसी है, वो इंटीमेसी आपके एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, आपके अंदर लास्ट को क्रिएट कर देते हैं, आपको डिफरेंट तरीके से बहका देते हैं और आपको डाउनग्रेड कर देते हैं. बट स्पिरिचुअल इंटीमेसी, सेक्रेड इंटीमेसी क्या होता है? जो आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, जो आपको एक मोटिवेट करते हैं, जो आपके लाइफ में एक इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं, जो आपको मदद करते हैं आगे बढ़ने में, सेल्फ डिस्कवर करने में, जो आपको फ्रीडम दिलाते हैं. आई थिंक उस इंटीमेसी को आप सीख रहे हो. शायद हो सकता है आपके लिए इंटीमेसी पाप था, आप कभी उस तरीके से लाइफ को देखे नहीं हो, बार बार खुद को रोक रहे थे, खुद को बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे थे. यू नो, किसी किसी के लिए आज भी मैं ये सोच सुनता हूँ कि कोई वर्जिनिटी खोए है, इसके लिए वो बहुत दुखी है, या फिर कोई लड़का ढूंढ रहे कि मेरे को एक वर्जिन लड़की चाहिए. आई थिंक दीज टैग्स हर्ट्स, क्योंकि आपके जो खूबसूरती है ये आपके सोल के साथ रिलेटेड है, आपके फिजिकल बॉडी के साथ नहीं. आई थिंक फाइनली आपको एक ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपके फिजिकल बॉडी को नहीं, आपके सोल के खूबसूरती को देखेंगे, जो आपके साथ बात नहीं करेंगे बट आपका जो साइलेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे. आपके साथ जिसका डीप कम्युनिकेशंस होगा, उस कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा पॉज होगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो एक्सप्रेशंस, जो इमोशंस, जो सेंसिटिव एसेंस है उसको समझने की ये पर्सन कोशिश करेंगे. सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि बहुत सेंसिटिव कम्युनिकेशंस, बहुत ही अच्छे तरीके का कम्युनिकेशंस, बहुत ही डिफरेंट किस्म का कम्युनिकेशंस आप करने वाले हो सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ, या फिर हो सकता है कोई नए पार्टनर के साथ. नाउ द लास्ट कार्ड रुद्र काली, योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फियर, सो बीट योर फियर विथ योर एंगर, सोल Evolutions, end of year. तो मैंने ये कार्ड कल भी पिक किया था और आज भी आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ खुद के ऊपर गुस्सा आप कर रहे हो. ये इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सामने वाले सिचुएशंस को भी. कहीं ना कहीं आप अपने डर को पीछा छुड़वा रहे हो, क्योंकि इसीलिए रमना काली माँ का भी यू नो यहाँ पे मैंने देखा कि उसके एनर्जी को, तो रमना काली माँ आपको फ्रीडम दे रहे हैं. जैसे आपको फ्रीडम मिल रहा है, वैसे ही आप अपने जो फियर है उसको हटा पा रहे हो, उसको हरा पा रहे हो. यू नो, आप अपने गुस्से से अपने डर को हरा पा रहे हो, एंड ये रुद्र काली माँ आपको ये शक्ति को प्रोवाइड कर रहे. तो क्या हो सकता है कि जो जो डर का पीछा आप नहीं करना चाहते थे, या फिर जो डर से आप भाग रहे थे, अब उस डर से आप डट के सामना करेंगे. मैं एक चीज देख सकता हूँ, ऐसा लग रहा है आपको, या फिर लग रहा था आपको कि कोई पर्सन बहुत ही इंटिमिडेटिंग है. लाइक जिस पर्सन के साथ आप पहले अगर बात करोगे तो आप इंटीमेट रिलेशनशिप पे जा सकते हो, या फिर उस पर्सन के साथ आप बात नहीं कर सकते हो बिकॉज आप बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आप इतना ज़्यादा गहरा अट्रैक्टेड हो कि आप अगर बात करेंगे तो आप प्यार में पड़ जाओगे. कहीं ना कहीं आप एक एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, आप खुद को संभाल रही हो, आप खुद को एक बैलेंस स्टेट में लेके जा रहे हो. रुद्र काली माँ आपको एक एक रिमाइंडर दे रहे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले डेट के बाद आप फिजिकल इंटीमेसी का बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पहले मंथ के बाद ही आप शादी के बारे में सोचेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पहले मंथ रिलेशनशिप के बाद ही आप कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे. सो कहीं ना कहीं आपका जो फियर ऑफ रिजेक्शंस है, फियर ऑफ लॉस है, फियर ऑफ फेलियर है, इस चीज़ को आप हटा रहे हो. आप रिलेशनशिप को एक एक डिफरेंट नज़रिए से देखोगे, इक्वेशंस को बदलोगे. आप पहले जिस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे थे, खुद को ट्रीट कर रहे थे, अभी रुद्र काली माँ आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करवाएंगे खुद को एंड दूसरे पर्सन को भी. कहीं ना कहीं आप खुद के फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो. अगर किसी को आपको पसंद नहीं आ रहे तो घर वालों के प्रेशर में आके आप उसको हाँ नहीं बोल रहे हो. यू नो, आप अपना दिल का बात सुन रहे हो, आप अपने रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप अपने लाइफ को खुद बदल रहे हो. लेट्स सी इस वक्त आपको माँ और क्या एडिशनल मैसेज देना चाहते हैं माँ
और कोई एडिशनल मैसेज आप देना चाहते हो, और कोई एडिशनल एडवाइस आप देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, और कोई एडिशनल एडवाइस आप देना चाहते हो? ओके, एडिशनल एडवाइस में यहाँ पे आया है, ओके, योर विश हैज बीन ग्रांटेड, बेटर डेज आर कमिंग, ऑफर योर सेल्फ टू माँ एंड सरेंडर एवरीथिंग टू हर, ड्रीम कम ट्रू, माँ आनंदमयी काली। सो कहीं ना कहीं आपको खुद को सरेंडर करनी है, कम्प्लीटली खुद को दे देनी है माँ को। लाइक आप नहीं बोल सकते हो कि मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, नो। क्यों? क्योंकि एक बच्चे की नज़र से देखो, हमेशा एक बच्चा जो चीज़ के तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं उसमें से 90% चीज़ उनके लिए हार्मफुल होते हैं। माँ जाके रोकते हैं, टोकते हैं, और तब जाके बच्चा सीखता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, वो चीज़ गलत। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ को आप मांग रहे थे जो चीज़ आपके लिए हार्मफुल था ना, माँ ने आपको एक लेसन लर्न करवाए है और आपने कुछ सीखे हो माँ के साथ, कुछ गुस्से में भी हो, कुछ बोले भी है माँ को आप कि शायद आप नहीं सुनते हो बात, आप ऐसे ही हो, आप लोगों को मदद करते हो, खुद मेरे को मदद नहीं करते हो, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है, तो माँ आपको शांत कर रहे हैं, माँ आपके मन में आनंद लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली ड्रीम कम ट्रू, मैंने बोला था कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन अ गुड वे। एंड द लास्ट कार्ड यहाँ पे आपको मिला है, भीमा काली माँ, योर हिडन डिजायर विल बी फुलफील, यू आर क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड लिसन बाई देवी माँ। सो द भीमा काली माँ इज, ओ माई गॉड, ये शायद आपके एक ख्वाहिश के बारे में है। आई थिंक इस पर्सन को आप देखे नहीं हो, बट आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर टाइप के डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लाइफ में आए जो आपको फुलफिल करे, और ये आप शर्मा जाते हो इस पर्सन के बारे में जब भी आप सोचते हो, या फिर कोई सीन के बारे में जब सोचते हो, जब आप फैंटिसाइज करते हो इस पर्सन को, तो माँ बोल रहे हैं कि नहीं, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो ख्वाहिश है वो माँ सुनते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो भी समझेंगे आपके डीप ख्वाहिशें, आपके जो विश है वो फुलफिल आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कर सकते हैं। आप जहाँ पे लोनली महसूस कर रहे हो वहाँ पे आप लोनली नहीं महसूस करेंगे, डेफिनेटली आपका लोनलीनेस रिप्लेस हो जाएगा बहुत ही जल्दी। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या डिवाइन क्लू आपको मिल रहा है इस वक्त, क्या डिवाइन क्लू माँ देना चाहते हैं इस वक्त, डिवाइन क्लू, डिवाइन डिवाइन कौन से डिवाइन, कौन से डिवाइन, ओके। सो जो पहला डिवाइन क्लू है, द मोर यू लाई द बिगर इट गेट्स, सो बी ट्रू। आई थिंक किसी के बारे में आप श्योर नहीं हो, खुद के साथ बहुत झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है कि खुद को मनाने की कोशिश कर रहे हो, सो नहीं, जो है सो है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सो सामने वाले पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सो डरो मत, स्पीक। जो चीज़ आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ आप मन के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हो, करने का कोई ज़रूरत नहीं, स्पीक। उसमें टॉपिक भी बढ़ेगा और सामने वाले पर्सन समझेंगे भी आपको। सेकेंड, accept your defeat first, celebrate your success last. Okay. कुछ ऐसा है कि शायद आपको डिफीट मिला है, शायद कोई आपको छोड़ के चले गए, आपको लग रहा है कि आप पराजित हो, बट नहीं, सक्सेस आएंगे एंड आप सेलिब्रेट भी करेंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि सॉरी बोलना सही होगा तो सॉरी बोल दीजिए, बाद में जाके आप इस पर्सन को समझाइएगा। एंड योर माइंड मैटर्स, नथिंग एल्स। सो काइंड ऑफ लग रहा है कि आपके माइंड के खिलाफ जाके कुछ करने की सोच रहे थे, या फिर माइंड कुछ और बोल रहे थे और आप कुछ अलग जा रहे थे, या फिर लोगों को प्लीज करने के चक्कर में आप अपने माइंड को फॉलो नहीं कर रहे थे। नो, आपका माइंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं। लेट्स सी, यहाँ पे एनर्जी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, क्या एनर्जी है। Don't be afraid to accept your imperfections. Yes, आप imperfect हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप अपने imperfections को accept करिए। The more you lie, झूठ मत बोलिए खुद को। Okay. You are protected from psychic attack. So I think ऐसा हो सकता है कि कोई और person है जो आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, या फिर psychic attack ले आ रहे। सो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम साइकिक अटैक।
ये एडिशनल मैसेज है. एंड द लास्ट कार्ड, यू आर अलाउड टू रिसीव वंडरफुल ब्लेसिंग्स. आई थिंक माँ आपको बहुत प्यार कर रही है, माँ आपको बहुत प्यार कर रही है. सो चिंता मत कीजिए, जो प्यार का तलाश आप कर रहे हो वो प्यार आपको मिल जाएंगे और ये सच्चा मोहब्बत होगा. एक्सेप्ट योर डिफीट फर्स्ट. जो पास्ट हुआ है, बीता है, उस डिफीट को एक्सेप्ट करो. सेलिब्रेट योर सक्सेस लेटर. झूठ मत बोलिए, अपना परसेप्शंस को चेंज कीजिए. स्पीक एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ. जय माँ काली. कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा. आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए. एंड अगर ऐसे ही यूनिक टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. मैं लेके आऊँगा और नए टॉपिक एंड और नए वीडियोज़. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए. जय माँ काली, जय माँ मातंगी.